नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा के अम्बाला में अगर अब आपको बर्थ, डेथ या फिर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए आपको नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा में पहली बार आज से अम्बाला नगर निगम ने इस सुविधा की शुरुआत कर दी है कि अब आपको घर बैठे ही ये सुविधा जो है वो दी जाएगी। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, उस पर डिटेल्स दी गई हैं इस सुविधा की। आज अम्बाला के विधायक और नगर निगम के कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने शुरुआत की है अम्बाला से, तो अब कहीं ना कहीं जनता को बड़ी राहत देने का यहाँ से काम किया गया है। डिजिटल होते हुए देश में अब हरियाणा का अम्बाला एक कदम और आगे बढ़ गया है। दरअसल अब अगर अम्बाला में किसी को जन्म, मृत्यु या फिर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है तो उसे नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि आज से हरियाणा में पहली बार इन सुविधाओं के लिए नगर निगम अम्बाला की तरफ से ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इतना ही नहीं, ये सुविधा जनता को उनके डोर स्टेप पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। जन्म, मृत्यु और मैरिज सर्टिफिकेट की ऑनलाइन सुविधा डोर स्टेप पर मुहैया करवाने की हरियाणा सरकार की पहली योजना की शुरुआत आज अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने की। इस दौरान विधायक ने बताया कि ये सुविधा जनता के लिए बेहद कारगर साबित होगी और अब लोगों को इन दस्तावेजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, अम्बाला शहर नगर निगम ने जो अपनी तरह की एक अनूठी डोर स्टेप डिलीवरीज की सर्विस शुरू की है कि घर बैठे ही आपको चाहे बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है और डेथ सर्टिफिकेट है। पहले होता क्या था, इनके लिए आपको बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, अधिकारी कई बार मिलते थे नहीं मिलते थे, कागज़ पूरे होते थे नहीं होते थे, और आदमी बाद में कहीं ना कहीं तंग होकर फिर दूसरी एक्सरसाइज में भी लगता था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे नगर निगम की पूरी टीम को, हमारे कमिश्नर साहब, सारे साथियों को, कि आज इन्होंने एक ऐसी सर्विस जो है कोरोना के काल में, एक तो कोरोना के समय में कोई भी व्यक्ति को कॉरपोरेशन में इस तरह के कामों के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा एक पूरे हरियाणा के लिए इन्होंने मिसाल पैदा की है। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात, खुद अधिकारी आपके घर जाके इन तीन सुविधाओं का आपको फ़ायदा पहुँचा के आएंगे बड़ी नॉमिनल सी फीस के साथ, और आपको बिना किसी देरी के, बिना किसी हेजल के आपके पास वो सारी चीज़ें पहुँचेंगी। इस दौरान अम्बाला नगर निगम के कमिश्नर पार्थ गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में अम्बाला से पहली बार इस मुहिम की शुरुआत की गई है और इस सुविधा को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है ताकि कोरोना काल में जनता को नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े। निगम कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा की मॉनिटरिंग भी निरंतर रूप से की जाएगी। सर, ये देखिए, जो डोर से डिलीवरी का जो आज लॉन्च किया गया है, उसमें हमारी जो भी फ्रॉम द बिगनिंग जो है, जैसे अगर वो आवेदन देता है उस समय से लेकर डिलीवरी तक, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन है हमारे लिए। जब वो व्हाट्सएप या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराता है, कोई भी पब्लिक है, कोई भी सिटीज़न कराता है, तो उसी समय से उसका जो रिक्वेस्ट है वो एक जो है हमारे सिस्टम में अपडेट जो है लॉगिन किया जाएगा। जब वो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए जा रहे हैं वो भी एक ऑनलाइन प्रकार से ही ले जा रहे हैं, हार्ड कॉपी नहीं ली जा रही। पेमेंट भी जो है हमने ऑनलाइन मोड भी दिए, कैशलेस मोड भी दिए हैं इसमें। तो ये जहाँ उसके बाद जो उसका नंबर लगेगा वो भी हमारे जो सिस्टम में ऑनलाइन ही लगेगा। तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि पूरे तरह से ये शुरू से एंड तक इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से इसकी फीडिंग हो रही है, मॉनिटरिंग उसी तरीके से होगी तो सहूलियत भी होगी। जी जी जी, ये देखिए, डोर से डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है ये अपनी तरह से हरियाणा में पहली बार जो है नगर निगम अम्बाला द्वारा ही शुरू किया जा रहा है, जहाँ पे लोग घर बैठे, ये तीन जो अभी सेवाएं हैं जिनको हमने अभी स्टार्ट किया है, इन सेवाओं का लाभ जो है घर बैठे अपने व्हाट्सएप या टोल फ्री नंबर के द्वारा ये ले सकते हैं। तो सुना आपने कि अम्बाला के विधायक असीम गोयल और नगर निगम के कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने किस तरह से बताया कि ये सुविधा जो है वो हरियाणा में पहली बार यहाँ से शुरू की गई है और ये सुविधा जो है वो जनता को आराम देने में, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए तो उसको कहीं ना कहीं काबू करने के लिए ये सुविधा जो है वो यहाँ से शुरू की गई है, जो जनता को बहुत बड़ी राहत देने का काम करेगी। इसी तरह की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।